हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गूगल के लेटेस्ट लिंक स्पैम अपडेट के बारे में। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस किस के वीडियो देखे या नहीं देखे, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में एग्जैक्टली हम कवर क्या करेंगे। सबसे पहले चीज, गूगल का ऑफिशियल लिंक स्पैम अपडेट है क्या। नंबर टू, किस टाइप की लिंक और किस टाइप के पोस्ट को ये इंपैक्ट करेगा। नंबर थ्री, वो सारे लिंक के एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि वो कैसे दिखती है और किस तरीके से वो आपकी साइट को इंपैक्ट कर सकती है। और नंबर फोर, हम बात करेंगे कि अगर आपकी साइट इंपैक्टेड हुई है या फिर होने वाली है तो उसका पता आपको कैसे लगेगा। सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर बार की तरह हम कवर करेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही जानकारी ऑसम टिप्स अगर आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट बाकी के कंपैरिजन में कितना आपको हेल्पफुल लग रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट क्या है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहले लिंक को क्लिक कीजिए, यू विल गेट टू नो कि कैसे आपको 9 डेज तक फ्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे भी आपको प्रीमियम हेल्प विद प्रीमियम सपोर्ट मिल सकता है हमारे बहुत सारे एडमिन्स के थ्रू। चलिए गाइस, बात करते हैं अपडेट क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, गूगल ने ऑन मंडे जुलाई 26 मतलब आज से 2-3 दिन पहले ये एक रिमाइंडर रोल आउट किया है। रिमाइंडर है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिफाइंग लिंक्स एंड अवर लिंक स्पैम अपडेट। अभी अपडेट है क्या, अकॉर्डिंग टू गूगल आपकी साइट पे आने वाली एवरी इनबाउंड लिंक, मतलब कि आपकी साइट पे जो भी लिंक आप किसी अदर साइट को देते हैं या फिर किसी अदर साइट से आपको जब बैकलिंक दी जाती है, उस लिंक की क्वालिटी को गूगल अब और ध्यान से चेक करने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल के लिए एक सबसे मेजर फैक्टर किसी पोस्ट को रैंक करने का है वो है बैकलिंक। जिसकी जितनी क्वालिटी बैकलिंक्स होगी उसका कंटेंट उतना ही रैंक करेगा। सो दैट इज द क्रिटिकल फैक्टर। और अगर गूगल उस बैकलिंक के फिल्टर को फिल्टर आउट नहीं करता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसा स्पैम और थिन कंटेंट रैंक करने लगेगा जहां से गूगल की ऑथोरिटी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए ये बार बार लिंकिंग को लेकर के गूगल अपडेट लाता रहता है। ये अपडेट रिसेंटली रोल आउट हुआ और ये पिछले आने वाले 2 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा, तो आप में से बहुत सारे लोगों की साइट को इंपैक्ट होने वाला है। अभी बात करते हैं ये एग्जैक्टली किन साइट्स को इंपैक्ट करेगा। तो ये मोस्टली उन साइट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है जो मोस्टली प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखते हैं या फिर गेस्ट पोस्ट ऑफर करते हैं या फिर किसी की फोरम टाइप की वेबसाइट है जहां पर यूजर कमेंट करते हैं। अगर आप इन 3 कैटेगरी में कहीं पर भी आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो क्या है उस पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए गूगल ने यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो मोस्टली आपकी साइट पर जो भी आप लिंक्स किसी एक्सटर्नल साइट को देते हैं उसके साथ एक टैग का अटैच होना जरूरी है। आपने सिर्फ 2 लिंक के बारे में सुना होगा, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक, राइट। डू फॉलो वो बैकलिंक होती है जहां पर अगर आपने किसी एक्सटर्नल साइट को लिंक करके रखा है तो ऑब्वियसली आप गूगल को ये बोलते हैं कि जब वो क्राउलर आपकी साइट पे आता है ऐसे लिंक देखता है और अगर ये डू फॉलो बैकलिंक है तो वो जाता है क्राउलर अंदर और उस साइट को विजिट करता है। मतलब क्या, आप गूगल को इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई मैं उस साइट को भरोसा रखता हूं तो जाओ उसको विजिट करो। ये होता है डू फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो बैकलिंक में ये होता है कि गूगल का क्राउलर आता है, अगर आपने यहां पे नो फॉलो अटैच करके रखा है तो क्या होता है, गूगल बोलता है कि भाई ये बंदा इस साइट को अथॉरिटी नहीं देना चाहता है, हमें इसको क्राउल नहीं करना, और उस लिंक को वो पास कर देता है। तो आपने 2 टाइप की लिंक सुनी होगी। लेकिन आई थिंक बैक इन 2018-19 जब ये रोल आउट हुआ था तभी मैंने आपको ये वीडियो भी बनाया था, गूगल ने कुछ एडिशनल टैग भी रोल आउट किए। अभी बात करते हैं वो टैग्स क्या है। तो यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किस किस टाइप की साइट और क्या है ये रैंकिंग अपडेट। इन शॉर्ट, जो भी आप लिंकिंग कर रहे हैं वो लिंकिंग अकॉर्डिंग टू गूगल क्वालिटी गाइडलाइन होनी चाहिए, और अगर वो है तो आपकी साइट इंपैक्ट नहीं होगी, अगर नहीं है तो इंपैक्ट होगी। अब ये क्वालिटी गाइडलाइन क्या है, तो चले उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये चीज है क्या, मैं उसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं इसको कैसे करता हूं, और प्योर एग्जांपल जैसा कि मैं बताता हूं आपको इस चैनल पे मैं वही दिखाता हूं जो मैं यूज करता हूं या फिर जिसको मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करता हूं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ब्लॉगिंग को प्रैक्टिकली ओवर द स्क्रीन ओवर द शोल्डर अगर सीखना चाहते हो तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दैट गिव मी मोटिवेशन ताकि मैं और क्वालिटी वीडियो बनाता रहूंगा, राइट। चलिए गाइस, बात करते हैं वो क्वालिटी लिंकिंग क्या होती है, क्या कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं गूगल सर्च कंसोल का एक पोस्ट उठाऊंगा और यहां पर आप देख सकते हैं पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ 2 टैग यूज करते थे।
ये टैग कहां पे यूज होते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो लिंक है, लिंक के साथ में एक टैग जुड़ा हुआ है और वो जो टैग होता है वो गूगल को बोलता है कि भाई ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। तो सबसे पहले वो टैग बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले दो टैग हुआ करते थे, एक नो फॉलो और अगर कोई टैग नहीं है मतलब वो डू फॉलो। नो फॉलो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डू फॉलो मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके बाद गूगल ने दो और टैग रोल आउट किए और वो जो टैग थे वो थे आरईएल इक्वल्स टू स्पॉन्सर्ड और आरईएल इक्वल्स टू यूजीसी। स्पॉन्सर्ड क्या है? स्पॉन्सर्ड गूगल अभी इस गाइडलाइन के हिसाब से आपको यह कहना चाहता है कि अगर आपकी साइट पे कोई पेड बैकलिंग अगर आप किसी को देते हैं, किसी का गैस पोस्ट आप अगर आप पब्लिश करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आप उसके साथ में स्पॉन्सर्ड का टैग लगाए। स्पॉन्सर्ड का टैग लगाने से आप एक्चुअली लेजिट वे में क्वालिटी काम कर रहे हैं और गूगल आपकी साइट को इंपैक्ट नहीं करेगा। इससे गूगल को यह पता चलेगा कि भाई यूजर के साइट पे जो भी बैकलिंक किसी साइट को दी गई है वो पैसे दे के ली गई है और इसके हिसाब से गूगल डिसाइड करेगा कि उसको अथॉरिटी पास करना है नहीं करना है, लेकिन आपको उसको बताना है इस टैग की ऐप से। सो दैट इज योर नंबर 3 टैग। नंबर 4 टैग है गाइस आरईएल इक्वल्स टू यूजीसी। ये टैग वहां पे यूज होता है आपकी साइट पे जब लोग कमेंट करते हैं, अगर वो कमेंट पब्लिश हो जाता है तो मेक श्योर कीजिएगा उसके साथ में टैग हमेशा यूजीसी जुड़ा होना चाहिए, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट, या फिर कोई फोरम की वेबसाइट है या फिर लोग वहां पे कहीं पे कमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप इस टैग को यूज कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको ये हेडेक लग रहा है तो मेक श्योर आप दो ही टैग यूज करें, डू फॉलो और नो फॉलो यूज कर दे। जैसे आप नो फॉलो यूज करते हैं गूगल को ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि आप क्वालिटी काम करें, तो आप इन दोनों टैग को यूज करने से भी बच सकते हैं या फिर आपको नहीं भी करना पड़ेगा। अब ये तो आपको एक थ्योरेटिकल समझ में आ गया कि ये टैग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा टैग दिखते कैसे। उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, लेट इमेजिन कि ये मेरा पोस्ट है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट आई एम डूइंग इज व्हाट आई एम टीचिंग, राइट। तो जैसे ये मेरा पोस्ट है 6 बेस्ट क्वाइट ब्लॉगर फैन और मुझे पता है कि ये Amazon एफिलिएट का ब्लॉग पोस्ट है। यहां पर बीच में मैं कुछ क्वालिटी कंटेंट लिखता हूं, जैसे कि एक ये लिंक है जो कहीं पे जा रही है और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक्सटर्नल ऑथेंटिक रिसोर्सेज को हमेशा डू फॉलो बैकलिंक देता हूं, तो आपको क्या करना है यहां पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ये पूरा आपकी साइट का कोड दिखता है। उस कोड में अगर मैं ये जो लिंक दे रखी है इसको कॉपी करके सर्च करूंगा, लेट्स सी कि यहां पर मैंने इस लिंक को कॉपी किया एंड देन इसको सर्च किया, तो यू शुड बी एबल टू सी कि वो है ये वाला टेक्स्ट और उसके साथ में टैग जुड़ा हुआ है आरईएल इक्वल्स टू नो रेफरर नो ओपनर। और अगर यहां पर नो रेफरर नो ओपनर लिखा है मतलब ये डू फॉलो बैकलिंक है, मतलब कि गूगल को मैंने बोला है कि भाई ये ऑथेंटिक सोर्स है उसको आप विजिट करो, मैं इस पर ट्रस्ट करता हूं और मुझे पता है कि ये रिसोर्सेज के पेजेस होते हैं, हाईली क्वालिफाइड वेबसाइट्स होती है, इसलिए गूगल को लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और मुझे वो इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये होता है आरईएल इक्वल्स टू नो रेफरल। अगर आप देख सकते हैं यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप इसको क्लिक करेंगे यू विल सी, तो ये वाला पोस्ट ओपन होगा जो कि एक जेन्युइन वेबसाइट है, यूएस की एनर्जी वाली वो जो साइट्स है उसका रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो ये होता है आपका डू फॉलो बैकलिंक जब आप किसी को देते हैं। लेकिन इसी के बजाय यहां पर अगर आरईएल इक्वल्स टू नो फॉलो हो जाता है, देखिए नो ऑप्टर और नो रेफरर है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे आरईएल इक्वल्स टू नो फॉलो हो जाता है, तो उस केस के अंदर मैं गूगल को यह बोल रहा हूं कि भाई ये नो फॉलो बैकलिंक है, इसको यूज मत करो, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता हूं और गूगल आपको पेनलाइज नहीं करेगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं इसी के अंदर मैं दूसरे भी लिंक देता हूं, जैसे कि यह है Amazon की वेबसाइट और गूगल क्या कहता है, जब भी आप किसी एफिलिएट प्रोडक्ट के साथ लिंक करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें आप इसको आरईएल इक्वल्स टू स्पॉन्सर्ड यूज करें या फिर इसको नो फॉलो यूज करें, दोनों में से एक कोई भी यूज कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने नोट लिखा हुआ है, या तो नो फॉलो यूज कर लो या फिर स्पॉन्सर्ड यूज कर लो। अगर मैं यहां पर आऊंगा और अगर इसी कीवर्ड को मैं यहां पे सर्च करूंगा, लेट्स से आई हैव सर्च्ड इट हियर, और आप देख सकते हैं 5 बार उस कीवर्ड को यूज किया गया है और जैसे ये वाला कीवर्ड जैसे मैंने यहां पे यूज किया है जो कि है यूटिलिटी क्वाइट ब्लोअर फैन, जो कि वो Amazon का लिंक है, इसके साथ मैंने यूज किया नो फॉलो नो ओपनर, मतलब मैं गूगल को यह बोल रहा हूं कि ये मेरी जो बैकलिंक है वो है नो फॉलो बैकलिंक। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहां पे गूगल को इंडिकेशन दिया कि भाई इसको मत फॉलो कर क्योंकि ये मेरी स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, किसी एफिलिएट लिंक है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। तो इस तरीके से मैं गूगल को प्रॉपर क्वालिटी गाइडलाइन को फॉलो करता हूं तभी मेरी साइट इंपैक्ट नहीं हुई। अभी बात करते हैं एग्जांपल के लिए यूजीसी बैकलिंक कैसी होती है, जैसा कि ये आप टैग देख रहे हैं आरईएल इक्वल्स टू यूजीसी। अगर मैं बात करूं ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है bloggingwas.com पे, जहां पे बहुत सारे लोग नीचे जाके कमेंट करते हैं, मैं बहुत सारा अप्रूव करता हूं, बहुत सारा डिक्लाइन कर देता हूं। तो एग्जांपल के लिए यहां पे यूजर ने कमेंट किया, ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे बहुत सारे यूजर ने कमेंट किया और जो कमेंट करते हैं इसमें से ये यूजर है जिसकी ये जो एंकर है वो लिंक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जैसे कोई क्लिक करेगा उसकी साइट पे जाएगा। अगर मैं इसका भी सोर्स कोड जाके चेक करूंगा विद निशांत नंदा, अगर आप जाकर के यहां पे देखेंगे निशांत नंदा का जो टेक्स्ट है उसके साथ मैंने टैग जोड़ के रखा है एक्सटर्नल
नो फॉलो यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो इस तरीके से गाइस आपको आपकी साइट पे मेक श्योर करना है जो भी लिंक आती है, जो भी लिंक आप देते हैं उसको ध्यान से तरीके से डू फॉलो नो फॉलो करना है, क्योंकि गूगल में रैंकिंग का सबसे सीक्रेट है इट्स ऑल अबाउट योर एंकर टेक्स्ट, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ द बैकलिंक, इट्स ऑल अबाउट इनबाउंड बैकलिंक, इट्स ऑल अबाउट एक्सटर्नल बैकलिंक और आपका कंटेंट। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में वेल अवेयर रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड एडवांटेज। और जो हमारे यूडेमी कोर्स के पार्ट है जो कि मैं मोस्ट लोगों को फ्री देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज के बाद में आपको पता लग जाएगा, तो वहां पे भी मैं इस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करता हूं कि ये टैग आपको बराबर ध्यान रखना है अगर आप रियली में ब्लॉगिंग में सक्सेस होना चाहते हैं। तो गाइस ये तो सारे स्टेप्स हो गए, क्या होता है कैसे होता है। अब आप मुझसे ये मत पूछना है कि इन सारे टैग्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना हो तो चलिए मैं बता देता हूं ये टैग्स कैसे ऐड होता है। तो जब भी आपकी साइट पे कोई आप कंटेंट लिखते हैं, उस कंटेंट को जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एडिट पोस्ट में जाता हूं, तो जो भी आप लिंक पेस्ट करते हैं उस लिंक को प्लेस करते टाइम वहां पर एक ऑप्शन आता है आपको डू फॉलो बनाना है, नो फॉलो बनाना है या फिर आपको कोई और टैग देना है। एग्जांपल के लिए मैं इस पोस्ट के एडिटर मोड में जा रहा हूं, तभी गाइस ये वीडियो थोड़ा लेंथी है लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको पूरी तरीके से अपडेट समझाऊं ताकि आपको किसी और का वीडियो देखने को ना मिले या फिर ना पड़े। बहुत सारे लोग आपको छोटे से समरी देकर भाग जाएंगे, तो इसलिए मैं बोलता हूं इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, दैट विल गिव मी मोटिवेशन। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहां पे लिंक मैप करता हूं, अगर आप इस लिंक पे जाएंगे यू विल क्लिक दिस लिंक और यहां पर आप देख सकते हैं ओपन इन न्यू टैब, सेट टू नो फॉलो और सेट टू स्पॉन्सर। अभी जैसे मैं इसको न्यू टैब में ओपन करना चाहूं इसको ओपन कर सकता हूं, इसको अगर डू फॉलो देना तो वो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो रहता है, लेकिन नो फॉलो देना तो मुझे ये टैग ओपन कर दूंगा, अगर इसको स्पॉन्सर कंसिडर करना तो मैं ये टैग ओपन कर दूंगा। इस तरीके से आप किसी भी लिंक को डू फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर ऑल दोस हो जाएगा। और आपके जो बेसिक कमेंट होता है अगर आप वर्डप्रेस की कमेंट साइट यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें यूजी से लग जाता है, तो आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी बात आती है अगर गूगल ने आपकी साइट को इंपैक्ट किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साइट पे इशू आ गए हैं और कैसे इसको फिक्स करना है। यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज, गूगल का खुद का जो बॉट है या फिर उसका खुद का जो सर्च इंजन है वो इतना पावरफुल है कि वो ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है और आपकी रैंकिंग को इंपैक्ट करता है। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, आपके सर्च कंसोल में जाना जैसे एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे आपको देखते रहना है अगर एक ग्राफ फटाफट से आपको इंप्रेशन के सेक्शन में आना है और एक क्विकली ड्रॉप हो गया मतलब समझ लेना कि आपकी साइट इंपैक्ट हो गई है। ओके, और उस साइट को रिकवर करने का एक ही तरीका और वो ये तरीका है आप वो सारी बैकलिंक को गो थ्रू करें और उस बैकलिंक को फिक्स करें। उसके लिए आप एक टूल यूज कर सकते हैं, आपको नहीं पता उसका वीडियो में आई बटन में दे दूंगा जो आपका इजी कर देगा आपकी साइट पर बैकलिंक के मैनेजमेंट को लेकर। बहुत ही पावरफुल टूल है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, अगर उस पर डिटेल फिर से वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी साइट ऑर्गेनिकली गूगल के सर्च इंजन एल्गोरिथम से ही अगर इंपैक्ट हो गया तो यहां पे। लेकिन गूगल यहीं पे नहीं रुकता, वो क्या करता है कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड पे उसके खुद की टीम बैठी हुई है जो मैन्युअली एक्शन लेती है। वो क्या करती है कि आपके किसी कीवर्ड को सर्च करेगी, जो भी वेबसाइट आ रही है उनको मैन्युअली गो थ्रू करते हैं, उनको लगता है ये पोस्ट तो स्पॉन्सर्ड है, उनको लगता है कि ये पोस्ट तो एफिलिएट पोस्ट है लेकिन इस यूजर ने वो टैग ऐड ही नहीं किया है, और जब नहीं किया तो वो मैन्युअली आपकी साइट को पेनलाइज करेंगे। और वो कैसे पता चलेगा, वो भी सारी डिटेल आपको वेबमास्टर में पता चलेगी। उसके लिए आपको वेबमास्टर में आना है और यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। जैसे आप मैनुअल एक्शंस पे जाएंगे अगर आपकी साइट को मैनुअली इंपैक्ट किया गया है किसी भी एंगल से आपको वो इश्यूज यहां पे दिख जाएंगे। मेरी साइट को कुछ नहीं इसलिए यहां पे नो इशू डिटेक्टेड है। अगर आपकी साइट मैनुअली इंपैक्ट हुई है, मैनुअल रिव्यू के थ्रू इंपैक्ट हुई है, आपको यहां पे अपडेट मिल जाएंगे। वो कभी मैं बताऊंगा आपको उसको कैसा फिक्स करना है, बट आइडियल इंस्ट्रक्शन होते हैं ये वाला पेज है जिसमें इशू है और ये वाला इश्यूज है और वहां पे लर्न मोर का सेक्शन होगा, आपको उनको फिक्स करना है फिर वहां से रिव्यू के लिए अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करते अगर वो सही समझता है तो आपकी साइट रिकवर हो जाती है। तो गाइस आई होप कि पूरी तरीके से मैंने यहां पे फुल पैक्ड इंफॉर्मेशन दी है, क्या है स्पैम, कैसे इसको करना है, क्या मेक श्योर करना है, कैसे आपको वैलिडेट करना है, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे बनती रहेगी। नया टी शर्ट बनवाया थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कैसा लग रहा है, एक्चुअली इट इज वॉट माई वाइफ हैज गिफ्टेड टू मी, सो थैंक्स अ लॉट गाइज बींग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। ऐसे ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए, विजिट कीजिए blogingwhisper.com, बी अ पार्ट ऑफ द फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, हम आपकी सेवा के अंदर तैयार है, वहां पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प फ्री में करेंगे, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।